सीएम योगी ने किया 9 राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास, कहा सड़कों के जाल से खुलेंगे विकास के रास्ते। उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका, करीबी सुभाष देसाई के बेटे ने थामा शिंदे की शिवसेना का दामन। आजमगढ़ में ओपी राजभर का सपा पर निशाना, कहा आजमगढ़ की दोनों सीट हारेंगे अखिलेश यादव। खुदरा महंगाई दर में मामूली गिरावट, 6.52% से घटकर फरवरी में 6.44% पर पहुंची। यूपी में कोरोना के 3 नए संक्रमित मिले, गाजियाबाद में 2 तो गौतम बुद्ध नगर में 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव। मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज बिजनौर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम के तहत अखिलेश यादव सबसे पहले अफजलगढ़ के पूर्व विधायक और वरिष्ठ सपा नेता शेख सुलेमान के घर पहुंचे और उनसे बातचीत की। इसके बाद अखिलेश धामपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और कार्यक्रम के तहत अपने कार्यकर्ताओं और विधानसभा के पूर्व प्रत्याशियों से भी मुखातिब हुए। जिसने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों लोकसभा के सांसद जिताए और उस समय यहां की जनता ने समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में जो फैसला हुआ यहाँ के वोटर्स ने माना और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के इस जिले से और जो दोनों लोकसभाओं के जिले जुड़ते हैं दोनों लोकसभा जीतते हैं। तीनों सीटें भैया, 3 भी मान लें हम, लेकिन 2 मुख्य मान लें हम। और जिस जिले में मैं गया था सीतापुर, जहां से बात मैंने कही, इसलिए कहा कि जो वहां के हमारी पार्टी के नेता और बहुत सारे समीक्षा के बाद ये बात निकल करके आई कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को नहीं हराना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य यह है कि समाजवादी पार्टी हारे। सीजनल इन्फ्लुएंजा यानी H3N2 के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके चलते अब लखनऊ के सिविल अस्पताल ने भी इस बीमारी से बचाव और रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों, चिकित्सालयों, कार्यालयों, बाजारों के साथ साथ अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें। ऐसी कोई भी खतरनाक चीज नहीं है, नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन जो कि हर साल होता है जब सीजन बदलता है, ये 15 अप्रैल तक करीब रहेगा और उम्मीद है कि 15 अप्रैल के बाद ये खत्म हो जाएगा। और इसमें किसी को बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप प्रिकॉशन लें, मास्क लगाएं और खान पान अपना अच्छा रखें, जंक फूड से बचें और हाई प्रोटीन डाइट लें और बस कुछ बिल्कुल नॉर्मल इन्फेक्शन है, कोई भी घबराने की बात नहीं है इसमें। सिर्फ जो लोग जो कॉम्प्रोमाइज हैं, जैसे कि जिनको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है या ओल्ड एज वाले, उनको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, बाकी नॉर्मल पब्लिक को इससे कोई खतरा नहीं। फरीदाबाद में सिविल अस्पताल बादशाह खान में डॉक्टर की पिटाई मामले में आपातकालीन विभाग की डॉक्टर ने सेवाएं बाधित कर दी है। दरअसल आपातकालीन सेवाएं बाधित होने के चलते अस्पताल में आए मरीजों को परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। वही सिविल अस्पताल की पीएमओ को बिना बताए आपातकालीन विभाग के डॉक्टरों ने यह हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि पीएमओ सविता यादव ने आपातकालीन विभाग की कमान संभाली है। खबर गाजियाबाद से है, जहां विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर सचिव ने उन बिल्डरों से बकाया 146 करोड़ रुपए की वसूली करने का आदेश प्रवर्तन प्रभारियों को दिया है। जिन बिल्डर्स ने मानचित्र शुल्क की फीस नहीं जमा की है, जिसके बाद अब धनराशि जमा कराने के लिए GDA नोटिस जारी करेगा। वहीं GDA सचिव ब्रजेश कुमार के मुताबिक मानचित्र स्वीकृत करने के बाद जिन बिल्डर्स ने अभी तक बकाया राशि नहीं जमा कराई है,
उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। जीडीए के सभी 8 जोन क्षेत्र में जिन पर मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद बकाया धनराशि है उनसे हर हाल में वसूली की जाएगी। रिलीज हो गया और इंस्टॉलमेंट पूरी उन्होंने जमा नहीं की है, तो ऐसे प्रकरण समीक्षा करने में पाया गया कि लगभग 146 करोड़ रुपया बकाया हमारा 17 बिल्डरों पे। इन सभी बिल्डरों को हमने नोटिस जारी की है कि ये पैसा जमा करें और नोटिस के लिए 15 दिन का समय दिया गया है, उसमें अगर जमा हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर आगे कार्रवाई में होता क्या है, क्योंकि कई बिल्डर ऐसे हैं जिनका प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है लेकिन उसके बाद भी जो प्राधिकरण का पैसा है वो जमा नहीं करते। नहीं, अगर नोटिस के बाद भी नहीं जमा होती तो फिर आरसी वगैरह की जो भी कार्रवाई है उसके हिसाब से। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में घायल युवकों ने डॉक्टर के साथ जमकर मारपीट की। बता दें कि मारपीट की तस्वीरें भी सीसीटीवी में कैद हो गई हैं, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बताते चले कि मारपीट करने वाले तीनों आरोपी पेशे से टीचर हैं, जो फरीदाबाद के ही एक निजी स्कूल में पढ़ाते हैं। फिलहाल तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये परसों रात की बात है, एक 3-4 लोग थे जो कि जा रहे थे, जिनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद ये हॉस्पिटल में पहुंचे थे ट्रीटमेंट के लिए, तो उस दौरान इन्होंने डॉक्टर के साथ कुछ ट्रीटमेंट को लेकर मिसबिहेव किया, बदतमीजी की थी। तो इस संबंध में डॉक्टर रामनिवास जो ऑन ड्यूटी थे उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया और सीसीटीवी से पहचान कर उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हॉस्पिटल फरीदाबाद में 12 तारीख को अभी 12 तारीख गई है, उसकी अर्ली मॉर्निंग में सुबह में करीब 3 बजे के करीब में एक बहुत अप्रिय घटना हुई, जो कि इमरजेंसी में हमारे एक डॉक्टर तैनात थे और अपना काम कर रहे थे। इतने में कुछ लोग आए और जो कि एक दो घायल थे, थोड़ा बहुत उनको सिर पे और नाक पे ऐसे चोट बताई गई है, और हमारे डॉक्टर ऑलरेडी अपना बाकी मरीजों को देख रहे थे, उनका घाव पट्टी वगैरह कर रहे थे। तो ये लोग जिन्होंने अपना पेशेंट का बताया तो डॉक्टर ने इनको भी देखा, इनका भी कुछ इलाज करना शुरू किया, लेकिन इसी दौरान के बीच में इनकी आपस में कुछ बहस छिड़ गई और लोगों ने डॉक्टर के साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट करी, तो जो जिस कारण से हमारे डॉक्टर को चोट भी लगी हैं, और जो कि बहुत ही मतलब अप्रिय घटना है, बहुत ही बेहद दुखद बात है। खबर फरीदाबाद से है, जहां पलवल होटल बस स्टैंड के पास क्लिनिक पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि क्लिनिक का डॉक्टर छोटे छोटे बच्चों का इलाज करता था और सीएम फ्लाइंग को क्लिनिक संचालक डॉक्टर से लाइसेंस और कागजात नहीं मिले। क्लिनिक से सीएम फ्लाइंग ने भारी मात्रा में दवाइयों को कब्जे में लिया है, वहीं डॉक्टर्स और सहयोगी को हिरासत में लेकर अब लगातार पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। लखनऊ में 4 मार्च को हुई ब्रजेश की हत्या का आखिरकार खुलासा हो गया है। बता दें कि प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पत्नी ने अपने पति की हत्या के लिए 50,000 का सौदा किया था। पत्नी के प्रेमी ने अपने मित्र के साथ मिलकर ब्रजेश की हत्या की थी। अब मोबाइल कॉल डिटेल से ब्रजेश की हत्या का आखिरकार खुलासा हुआ और पूरा मामला लखनऊ के बीबीडी थाने के अंतर्गत का बताया जा रहा है। मिसिंग हो गए हैं और किसी 2 अज्ञात लोगों के साथ इन्होंने उसको जाते देखा है, तो पुलिस ने उस चीज़ का संज्ञान लेते हुए तुरंत उनकी गुमशुदगी दर्ज की और तलाश जारी की। 7 तारीख में एक अज्ञात शव सतरिक में मिलता है, बाराबंकी में, और जब उसकी शिनाख्त होती है तो इनके पति के रूप में उनकी शिनाख्त निकल के आती है। इसी क्रम में जब PM होता है तो PM में कुछ ऐसी चोट मिलती हैं जिससे ये इन्फ्लुएंस हम लोग निकालते हैं PM रिपोर्ट से कि ये मर्डर है। एक मर्डर का मुकदमा BBD थाने में कायम होता है 11 तारीख में, और इस बीच में भी पुलिस कुछ काम करती है और मर्डर लिखने के बाद पूरी तरह से जब इस पे काम होता है। हरदोई में 2 पक्षों के विवाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जल शक्ति मिशन के तहत प्रस्तावित पानी की टंकी के लिए जमीन की पैमाइश कराने पहुंचे प्रधान पर दबंगों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया।
हमले में प्रधान घायल हो गया और राजस्व विभाग की टीम ने भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई और दोनों पक्षों से तहरीर मिलने के बाद पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना क्षेत्र हरपालपुर पड़ता है, उसमें प्रधान पानी की टंकी लगवाने के लिए कोई जमीन चिन्हित किए थे, उसी जमीन को लेकर विवाद था जिसमें दोनों पक्षों में कहा सुनी और हल्की फुल्की झड़प भी है, कोई मारपीट तो नहीं इस तरह से आया है, जिसमें दोनों तरफ से अभियोग पंजीकृत किया गया है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ में आधा दर्जन से अधिक महिलाएं शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां महिलाओं का आरोप है कि क्षेत्र में एक दबंग व्यक्ति है जो कि अक्सर उनसे गाली गलौज करता है। प्रशासन द्वारा अलॉट किए जाने वाले काशीराम आवासों को जरूरतमंद व्यक्तियों को रुपए लेकर बेच देता है। महिलाओं ने बताया कि घटना होली वाले दिन की है, जब कुछ व्यक्ति दबंग किस्म के लोगों के साथ महिलाओं के घर पर आ गया और जबरन गाली गलौज करते हुए महिलाओं से जमकर बदसलूकी तक करने लगा। महिलाओं का आरोप है कि दबंग अक्सर इस तरह की घटनाएं करता है, जिसकी शिकायत कई बार पुलिस से की जा चुकी है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिस वजह से आधा दर्जन से अधिक महिलाएं एसएसपी कार्यालय पहुंची और एसएसपी से मुलाकात कर आरोपी पर कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है। हम मनोज की शिकायत लेकर आए थे, इसने सब लेडीजों को परेशान करके धर रखा है, लज्जावती को मारा इसने, अगर मैं इसके बीच में बोलने गई तो मुझे धमकी दी है इसने, मेरे घर पे आके सब लेडीजों को चढ़ा के इन्होंने, जो इन मुसलमान और बाहर से इसने लड़के बुलाए थे मेरे घर पे आके चढ़ाए, कहता तुझे हवा में उड़ा दूंगा, पुलिस तो ऐसी मेरी जेब में रहती है। कौन है मनोज? कौन है मनोज? वहीं पर दल्ला है, वहीं का करता क्या करता है? वो फ्लैट बेचता है, फ्लैट खरीद के फ्लैट बेचता है महंगे महंगे। कौन से वाले फ्लैट? ये बापू धाम के फ्लैट, जो सरकारी फ्लैट है। सरकारी फ्लैट जो है, बच्चे उधर नाच रहे थे, नाचने में इसने ऐसा करा वो डीजे बंद करा दिया, फिर मेरे बच्चों को उठा के पटकने लगा, मैं गई छुड़ाने तो मेरे पेट मारा इसने, मेरे बच्चों को मारा था, माँ कौन सी देख लेगी? कौन है, किसने मारा है? मनोज ने। कौन है ये मनोज? ये मनोज है, सतीश गौतम का नाम लेता है कि सर मैं उसकी गाड़ी चलाता हूँ, उसी की धौंस में देता है, और पुलिस की नो कहता है कि पुलिस तो मेरी जेब में रहती है, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम मेरे बाल भी नहीं उखाड़ सकती हो। कौन है ये है? कौन? क्या मालूम, बरेली का रहने वाला है। क्या करता है? कुछ नहीं करता, यही धंधेबाजी करता है। पूरे देश में होली का त्योहार भले ही बीत गया हो, लेकिन कानपुर में तो रंगों की खुमारी अभी भी लोगों के स्तर चढ़ी हुई है। यहाँ आज भी रंग खेला जा रहा है। इस शहर में एक सप्ताह तक होली मनाने की परंपरा स्वाधीनता संग्राम की एक घटना से जुड़ी हुई है। दरअसल कानपुर में होली मेला अंग्रेजी हुकूमत की हार का प्रतीक है। होली खेली जाती है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है, लेकिन ये गर्व का विषय है कि कानपुर वासी उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाए हुए हैं। आज यहाँ पर हम हटिया जुलूस के लिए एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर जिलाधिकारी के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। यहाँ जो उल्लास नगरवासियों में देखा जा रहा है अत्यंत ही प्रशंसनीय है। मैं आज इस मौके पर सभी नगरवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज जो कानपुर के होली के अवसर पर सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जो हटिया होली मेला का अभी शुभारंभ होने वाला है, और आज दिन भर कानपुर के लोग होली खेलेंगे, उसके बाद दोपहर में सरसैया घाट पर होली गंगा मेला और गंगा होली मिलन का भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। ये आज़ादी से पहले से ही ये परंपरा चली आ रही है, और इस ऐतिहासिक पर्व में हम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम भी और यहाँ के सारे जनप्रतिनिधिगण, क्षेत्रीय जनता, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और निश्चित तौर पर ये हमारे ही सबसे एक अलग तरीके से और एक यूनिक तरीके से काम। वहीं संबल में गैंगस्टर में वांछित 25,000 का इनामी पशु तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला हयात नगर थाना क्षेत्र के हसनपुर रोड तिराहे का है, जहां 25,000 के इनामी पशु तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पशु तस्कर पर गौ तस्करी और संगीन अपराध पहले से ही दर्ज है। वहीं पुलिस ने चोरी की बाइक और तमंचे के साथ इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। इनामी बदमाश रामपुर जनपद का रहने वाला बताया जा रहा है। एक्ट में वांछित
25,000 रुपए के इनामी अपराधी आलम पुत्र अक्रम निवासी ग्राम टांडा जनपद रामपुर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक चोरी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल तथा एक अदद तमंचा 12 बोर मैक कॉटेज बरामद किए गए हैं। यह अपराधी काउस लेटर एक्ट में अनेक मुकदमों में वांछित रहा है। इसके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। शीघ्र ही साथ संगत करते हुए प्रकरण में कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हरदोई में चोर बेखौफ होकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सोना व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई थी, वही चोरी की सूचना पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस अभी भी चोरों से दूर है। पीड़ित ने अब एसपी से शिकायत की है और एसपी ने जल्द बेखौफ चोरों की गिरफ्तारी की भी अब बात कही है। बेखौफ चोरों ने मेरी दुकान में नकब काट करके चोरी की। किस तारीख में? 23/2023 को अंजाम दिया, रात में लगभग 12-1 बजे के आसपास। सुबह जब दुकान मैंने खोली तो पता चला नकब कटी हुई है, उसमें रखे लगभग 7 लाख रुपए के जेवर, सोना चांदी एवं कुछ नकदी। और आज तक सवाईपुर कोतवाल का रवैया रहा, आज तक कोई चोर पकड़े नहीं गए, न चोरी का कोई खुलासा हुआ। कितने की लगभग चोरी हुई? 7 लाख रुपए के आसपास। खबर गाजीपुर से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों युगलों का विवाह हुआ। शहर के नवीन स्टेडियम में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 200 से ज्यादा युगलों का विवाह संपन्न हुआ, वही 4 मुस्लिम जोड़े भी शामिल रहे। इस दौरान योजना के लाभार्थियों में खासा उत्साह भी नजर आया और योजना के तहत पूरे विधि विधान से लाभार्थियों की शादी संपन्न कराई गई। कार्यक्रम के दौरान तमाम प्रशासनिक अफसर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री कल्याणकारी योजनाओं में से ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है सामूहिक विवाह कार्यक्रम, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की कोशिश रहती है कि बच्चियों के हाथ पीले हो सके और उनके पिता के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर से जो बोझ कहे जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, ये बोझ कम किए जाते हैं, उन्हें अच्छी खासी राशि मिलती है और यहाँ पे अधिकारियों द्वारा व्यवस्था की जाती है और बहुत ही अच्छे से उनका विवाह सम्पन्न होता है। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ, जिसमें 522 जोड़े एक दूसरे के हुए। साथ ही नवदंपति को 10,000 रुपए का उपहार दिया गया, वहीं वधु के खाते में 35,000 रुपए की धनराशि भी दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं का विवाह कराने के लिए ये योजना वरदान साबित हो रही है और समाज कल्याण कार्यालय के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विकास खंड जलालपुर में सबसे अधिक और सबसे कम कटेहरी और भीटी ब्लॉक से पंजीकरण हुए हैं। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में 5 पंजीकरण हुए हैं और योजना के तहत प्रति जोड़ा 51,000 रुपए की राशि शासन से प्राप्त होती है। अब टेंशन खत्म है अभिभावकों का अपने बच्चियों के प्रति को लेकर। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आर्थिक संकट की कहीं ना कहीं मार रहती है, उनको एक टेंशन बनी रहती थी अपनी बेटियों को लेकर, आखिर वो किस तरीके से अपनी बेटियों की शादी करेंगे। इसी कड़ी में पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री का सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। इसी कड़ी में जनपद अम्बेडकर नगर के हवाई पट्टी पर इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री का सामूहिक विवाह कार्यक्रम चल रहा है, जो कि 522 वरवधुओं की सामूहिक तरीके से विवाह कराया जाएगा, जिसके 10,000 लोग साक्षी के रूप में रहेंगे। हमारे पर इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए राकेश जी हैं, जो हम इनसे बात करना चाहेंगे। जी, ये लगभग कब से हो रहा है, अब तक कितना शादियाँ हो चुकी? ये योजना हमारे प्रदेश में 2017 से शुरू हुई थी और हमारे यहाँ इस वर्ष में अब तक 811 विवाह हो चुके हैं विकास खंडों पर, और अभी आज हम लोग 522 लोगों का विवाह कर रहे हैं। उद्देश्य वही है, सामाजिक समभाव और राष्ट्रीय एकीकरण करना, और ये सामूहिकता की भाव जो हमारे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का उद्देश्य है। जैसा कि आप देख सकते हैं, समूह में हर वर्ग के लोग
हर जाति धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, तो बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी योजना का उद्देश्य सफल होगा, हम लोग का कार्यक्रम अच्छे से होगा, हम लोग को ये पूरी उम्मीद है। तो क्या वरवधुओं के लिए मतलब कि कोई विवाह के बाद कोई मतलब आर्थिक सहायता जीवन यापन के लिए? जी हम लोग विवाह में जो आवश्यक सामग्री है उसका 10,000 रुपये का एक किट हम लोग दे रहे हैं, उसमें कुछ ज्वेलरी भी है। इसके अलावा 35,000 रुपये कन्या के खाते में जाएंगे और 6,000 रुपये अधिकतम हमारे अनुमान्य विवाह आयोजन करने में। तो ये इसके बाद जो शासकीय योजनाएँ हैं उनसे उनको जोड़ने की हमेशा कोशिश की जाती है। गैस का कनेक्शन हो, बीपीएल कार्ड हो, मनरेगा करनी बनाए, और इसके अलावा जो कौशल विकास की योजनाएं हैं तो उनसे जोड़ने की बात की जाती है। और आज हम लोगों ने कोशिश करी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला, नो प्लास्टिक और नो टोबैको मूवमेंट हम लोग चला रहे हैं, उसका भी आज हम लोगों ने प्रचार करने की कोशिश करी है साथ में। तो ये थे हमारे साथ राकेश जी, जो साफ तौर से बता रहे हैं बेटियों के प्रति कितनी सरकार संवेदनशील है, और कहीं ना कहीं जो सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं अब वो एकदम पूरा धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही। कैमरा पर्सन ज्ञान प्रकाश पांडे के साथ राहुल पांडे, प्राइम टीवी, अंबेडकर नगर। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों के युवक और युवतियों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। जिले में 1,313 जोड़ों का विवाह विधि विधान से संपन्न कराया गया। वही समारोह में जिले के 86 मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी कराया गया। इस दौरान वरवधु को आशीर्वाद देने के लिए यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर समेत सांसद अरुण सागर भी मौजूद रहे। रज्जात, आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में तुम्हारा निकाह पढ़ाया गया है, कितनी खुशी है तुम्हें, क्या कहोगे योगी जी के लिए? बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा धन्यवाद योगी जी का, अच्छा रहा, दूर शादी करा रहे, अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत ज्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा उनका। योजना में शाहजहांपुर से 1,313 जोड़े दाम्पत्य सूत्र बंधन में बनने जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी की योजना पूरे प्रदेश के लिए और मैं समझता हूँ पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा नमूना है कि जिसमें गरीब कन्याओं का विवाह एक धूमधाम से सारे जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में, वीआईपीस की मौजूदगी में और सब बड़े बड़े लोगों की मौजूदगी में संपन्न होने जा रहा है। शाहजहांपुर में अब तक 4,737 कन्याओं का विवाह। रायबरेली में भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले विकलांग को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी और राजघाट चौकी प्रभारी चमन सिंह भदौरिया ने घायल युवक को ई रिक्शे से जिला अस्पताल पहुंचाया। तो वहीं अब चौकी प्रभारी के इस काम की चारों ओर सराहना हो रही है और ये पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के राणा नगर का बताया जा रहा है। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।